नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ग्रहों के बारे में। इससे पहले के वीडियो में कुछ ग्रहों के बारे में बता दिए थे। ग्रह कितने हैं? तो 8 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आज हम जानेंगे शनि के बारे में। इससे पहले के वीडियो में बृहस्पति के बारे में बता चुके हैं। तो देखते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सैटर्न, सैटर्न बोला जाता है। इसका जो घनत्व होता है वो सभी ग्रहों से बहुत ही कम होता है। इसका घनत्व होता है 0.7 पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका घनत्व इतना होता है कि इसे अगर पानी में रख दिया जाए तो यह पानी में भी नहीं डूबेगा। इसके अलावा इसके उपग्रह जो होते हैं, 62 उपग्रह होते हैं, जिनमें से वेरीफाइड ग्रह सिर्फ 21 है। कितना है उपग्रह? 21। यानी कि अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो आप बृहस्पति नहीं मारिएगा, बल्कि कौन मारिएगा? शनि, क्योंकि शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। लेकिन उसके बृहस्पति के पास क्या था? 79 उपग्रह है, लेकिन वेरीफाइड कितना है? 16 है। इसलिए ये नहीं होगा, बल्कि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि हो जाएगा। इसके चारों ओर बलय पाया जाता है। क्या बलय? जिसे छल्ला कहते हैं। और इन छल्लों की संख्या कितनी है? 7। छल्ला क्या है? तो जब विस्फोट हुआ था तो इसी ग्रह के जो टुकड़े थे वो अलग इस ग्रह से क्या हुआ कि अलग हो गया, और इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण इसी के चारों ओर घूम रहा है। उसी को क्या बोला जाता है? तो छल्ला बोला जाता है। आगे देखते हैं अरुण, यानी कि यूरेनस। अरुण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूरेनस। इसे हरा ग्रह कहा जाता है। इसे हरा, इसका जो कलर होता है यह हरा होता है, और यह बहुत ही झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहेंगे। क्या? लेटा हुआ ग्रह। इसका तापमान -215 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य से क्या है, बहुत ही दूरी पर स्थित है, इसलिए सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए यह क्या है, बहुत ही ठंडा ग्रह है। यहाँ क्या है तो मीथेन गैस जो है ना, वह बहुत ही मात्रा में है। मीथेन गैस यहाँ बहुत पाया जाता है, CH4। आगे हम देखते हैं नेपच्यून, यानी कि नेपच्यून यानी कि वरुण। यहाँ भी क्या है? तो यहाँ भी क्या है? तो गैस पाया जाता है, मीथेन। यहाँ कौन सा गैस पाया जाएगा? मीथेन गैस पाया जाएगा। और इसका कलर जो है, इसका कलर नीला होता है। यहाँ मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए इसका कलर कैसा है? नीला है। इसमें बलय 5 होते हैं। ऐसे बलय तो इसमें 9 है, लेकिन 5 को का नाम दिया गया है, जिनमें है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और एक और है नीलांशन। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जब विस्फोट हुआ था तो ग्रह का कुछ टुकड़ा क्या हुआ था कि क्षुद्र ग्रह या मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में रहता है। यह इसलिए रहता है क्योंकि इसे मंगल अपनी ओर खींचता है और बृहस्पति अपने ओर, क्योंकि दोनों का अपना अपना क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिस कारण यह यहीं पे अटक कर रह जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यह जो क्षुद्र ग्रह है इसे मंगल अपनी ओर खींच लेता है और यह क्या करेगा कि आगे बढ़ जाएगा, जिस कारण क्या होगा कि यह क्षुद्र ग्रह कहाँ पर गिरेगा, आकर पृथ्वी पर आते दिखता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड यहाँ पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है, पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण क्या होता है, जल उठता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार या जलता हुआ तारा। अगर यही क्षुद्र ग्रह क्या होगा कि यहाँ से जा रहा है, अगर यह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरेगा तो इसे क्या कहेंगे, बोलाइट बोला जाता है। इसे बुलाइट बोलेंगे। इसकी जो रफ्तार होती है यानी कि चाल, वह 12 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में यह कितना स्पीड से आता है, तो 12 किलोमीटर पर सेकेंड से। एक सेकेंड में यह कितना चल जाएगा, 12 किलोमीटर। अगर इसके ऊपर से जाए तो इसे क्या बोलेंगे, उल्का पिंड बोला जाता है, उल्का पिंड। इसका जो
चाल होता है वो 72 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि एक सेकेंड में वह कितना दूरी तय करता होगा, तो 72 किलोमीटर। यही क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरता है तो इसी को कहेंगे तो उल्का बोला जाता है। जब यह पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है जिसे क्रेटर कहते हैं, जैसे यूएसए का एरिजोना सबसे बड़ा झील है, या क्रेटर झील भी एक तरह का इसका उदाहरण है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।